हाइट नहीं बढ़ती, कद लंबी नहीं होती, आप हो या आपके बच्चे हो, तो आज के बाद आपको टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। आपने सिर्फ दूध में एक चीज को डालकर खुद पीना है या अपने बच्चों को देना है। मैं कुछ नहीं कहूंगी, रिजल्ट्स आपको खुद नजर आएंगे। यकीन करें, एक महीने में आपको खुद महसूस होगा कि आपके बच्चों की हाइट बढ़ना शुरू हो गई है। तो वीडियो को ठीक से देखिएगा, समझिएगा और इसका इस्तेमाल जरूर कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारी बहनें बहुत परेशान है अपने बच्चों के कद को लेकर। तो सबसे पहले आपने लेना है एक ग्लास दूध, जो पीने वाला खालिस दूध हो या जैसा भी आपके इलाके में मिलता है, आई डोंट नो। तो आपने यहाँ पे एक ग्लास दूध डाल देना है सॉस पैन में। सेकंड, यहाँ पे जो मैं चीज इस्तेमाल करने वाली हूँ उसको गौर से देख लीजिए। इसे कहते हैं हलून सीड, हेलम कह सकते हैं या हलून, जो भी आप कहें पंसार को समझ आ जाएगी। ये आसानी से पंसार शॉप से मिल जाएंगे, अदरवाइज मैं लिंक भी शेयर कर लूंगी, आप वहां से भी ले सकते हैं। अगर ये हलून सीड, हलून के बीज आप ठीक तरीके से इस्तेमाल कर लेते हैं ना, यकीन करें आपके कद को कोई रोक नहीं सकता, बहुत ज़बरदस्त है। अच्छा, तो एक ग्लास में जाएंगे 2 बड़े चम्मच हलून बीज के, ठीक हो गया। अब सेकेंड इसमें डालनी है आपने 3 अदद इलायची, सबस कार्डिमम इलायची कहते हैं इसको, ठीक है। 3 अदद इलायची और हसबे ज़रूरत शुगर, चीनी। अगर आप चीनी नहीं डालना चाहते तो आप इसे इग्नोर भी कर सकते हैं, इसकी जगह हम ब्राउन शुगर भी ऐड कर सकते हैं। अब आपने इसे कम से कम 15 मिनट तक पकाना है, बिल्कुल हल्की आंच पर, आंच आपने ज़्यादा नहीं करनी, ठीक हो गया। अच्छा, इसका टेक्सचर जो है ना वो बिल्कुल चिया सीड्स जैसा ही है, लेकिन इसके फ़ायदे बेइंतहा हैं, ना सिर्फ आपकी हाइट के लिए बल्कि आपके बच्चों की और आपकी हेल्थ के लिए इतने फ़ायदेमंद है। आपके जोड़ों का दर्द हो, आपको कैल्शियम की कमी हो, तो भी ये बेहद मुफीद है। अच्छा, तो आपने इसे 15 मिनट पकाना है, उसके बाद आपने इलायची को निकाल देना है। अब इसको आपने ग्लास में डालना है, गर्म करके पीना चाहे गर्म पी सकते हैं, ठंडा करना चाहे तो ठंडा करके भी आप इसे पी सकते हैं। इसको पीने का बेहतरीन टाइम है सुबह नाश्ते के टाइम, ठीक है। आपने इसे पीना है और इसके बाद आप रिजल्ट्स का इंतजार करें, सिर्फ आपको 20 दिन में मैं कहती हूँ रिजल्ट्स प्रोमिनेंट नजर आएंगे। अगर आपके बच्चों को ये बीज जो है, ये सीड्स थोड़ा सा प्रॉब्लम करें तो आप इसे ग्राइंड भी कर सकते हैं, ठीक हो गया। अच्छा, अगर आपके बच्चों को भूख नहीं लगती ना, तो ये बेहद फ़ायदेमंद है उनकी भूख को बढ़ाने के लिए भी। अगर आप इसका इस्तेमाल 1 से 2 साल अपने बच्चों को करते रहते हैं, बिल्कुल मतवातर यानी कि रेगुलर आपने इसको देना है, क्योंकि बच्चे तो वैसे आमतौर पर दूध पीते ही हैं, तो अगर आप सिर्फ 1 चम्मच इस तरह से इस्तेमाल कर लेते हैं ना, यकीन करें आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होगी और आप मुझे दुआएं देंगे, और वो भी जिनके आप ये वीडियो शेयर करेंगे। अच्छा, तो दूसरी प्रॉब्लम मेरी बहनों को रहती है कि बच्चों के सर की जुएं खत्म नहीं होती। अगर कहूं कि उसके लिए बहुत ही परफेक्ट रेमेडी मैं आपसे शेयर कर चुकी हूं, जिसे लगाकर मेरी लाखों माएं जो है ना वो बहुत खुश हैं अपने बच्चों की जुएं साफ करके, तो आप वो वीडियो देख सकते हैं, आपको वीडियो पेज से मिल जाएगी, अदरवाइज मेरे यूट्यूब चैनल से भी आपको वो वीडियो मिल जाएगी। अच्छा, अगर आप सोच रहे हैं कि इसमें ड्राई फ्रूट्स ऐड करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं, लेकिन सिंपल हलून सीड के फायदे ही इतने हैं कि आपको ड्राई फ्रूट की जरूरत नहीं होगी। आज की वीडियो, आज की छोटी सी पावरफुल रेमेडी आप सबको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलिएगा। और हाँ, मुझे आप अपना नाम और अपने शहर का नाम कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ताकि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में शुक्रिया कह सकूं नाम लेकर। तो मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा और मैं आपके हर कमेंट का रिप्लाई भी करूंगी। खुश रहिएगा, आबाद रहिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अपने चैनल का भी।